एपिसोड की शुरुआत जीवन और यूजी के किसिंग सीन से होती है, पर तभी यूजी को अपने एक्सीडेंट के बारे में याद आता है, इसलिए वो जीवन को खुद से दूर कर देता है और बोलता है कि वो उसके लिए सही इंसान नहीं है। वो उसे बस खुश और स्टेबल दिखना चाहता है, पर अगर वो उसके साथ रहेगी तो रिग्रेट करेगी। ये बोलकर वो उसे अपने घर से बाहर निकाल कर दरवाजा बंद कर देता है, जो देखकर जीवन को भी कुछ समझ नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करे, इसलिए वो भी चली जाती है। अगले दिन ऑफिस में जब जीवन पहुंचती है तो वो नोटिस करती है कि यूजी आज ऑफिस भी नहीं आया। उसी वक्त ऑफिस में मिस यांग आती है, जिस पर मिस्टर किम चिल्लाने लग जाता है और बोलता है कि अब तो तुम बॉस बन गई हो, फिर भी इतनी देर से आई हो, तुम्हें तो हम सब के आने से पहले यहाँ पर होना चाहिए। ये सब बोलकर वो उसे परेशान करता है, लेकिन मिस यांग उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती। अब जब भूयान, जीवन और मिस यांग तीनों साथ में बैठकर बातें कर रहे थे, तभी जीवन मिस यांग से बोलती है कि अब तो आप बॉस बन चुके हो और मिस्टर किम आपके अंडर काम करते हैं, तो आपको उन्हें अच्छे से जवाब देकर उन्हें सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि ऐसी हरकतें करके वो आगे आने वाले एम्प्लॉयज के लिए भी आपके सामने एक बुरे इमेज बना रहा है। तभी मिस यांग को उसके हस्बैंड का कॉल आता है, जो कि उसे घर पर जल्दी आकर अपनी बेटी को संभालने के लिए बोल रहा था, जिनकी ये बातें जीवन भी सुन रही थी। जीवन अभी यहाँ मिस यांग से अकेले में बात करती है, उन्हें समझाती है कि अगर उनका हस्बैंड घर पर रहकर भी उनकी बेटी का ख्याल नहीं रख पा रहे तो इस चीज में उन्हें अपने पेरेंट्स की मदद लेनी चाहिए। मिस यांग बोलती है कि जब मेरा हस्बैंड ऑलरेडी घर पर है तो मैं इस सब में अपने घर वालों की मदद नहीं ले सकती। साथ ही जीवन यहाँ पर उनसे यूजी के बारे में पूछते हैं कि आज वो ऑफिस क्यों नहीं आया, तो मिस यांग बताती है कि जरूर उसे कोल्ड हुआ होगा, आज उन्होंने सिक लीव ली है। ऑफिस के बाद जीवन घर पर जाकर यूजी के लिए पॉरिज बनाती है। वो यहाँ पर याद कर रही थी कि जब मिनवन बीमार था तब वो उसके लिए 20 तरीके से पॉरिज बनाकर उसका ख्याल रखती थी, लेकिन वो उसके एफर्ट्स को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करता था, उल्टा उस पर ही चिल्लाता था और कभी भी उसे नहीं खाता था। अब वो हिम्मत करके यूजी के घर पर जाकर बेल रिंग करती है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता, तो उसे लगता है कि यूजी घर पर नहीं और यहाँ से जाने वाली थी, पर तभी उसे अंदर से कैट की आवाज आती है, इसलिए वो खुद ही यूजी के घर का लॉक खोल के अंदर चली जाती है, क्योंकि उसने उसे पासवर्ड बताया हुआ था। अंदर जाते वो देखती है कि यूजी जमीन पर गिरा हुआ था। वो उसे संभाल कर उठाने की कोशिश करती है और साथ में हॉस्पिटल चलने के लिए बोलती है, पर वो यहाँ पर उसे बता देता है कि डॉक्टर आया था और उसने दवाइयाँ खा ली है। फिर वो उसे बोलने लग जाता है कि अब वो किसी बोट में नहीं है और उसकी लाइफ स्टेबल हो चुकी है। यहाँ में दिखाया जाता है कि ये चीज जीवन ने नशे में उस वक्त यूजी से बोली थी, तो जैसे कि वो एक बोट में सवार है और वो एक स्टेबल लाइफ चाहती है, तो यूजी ने विश किया था कि काश उसे एक स्टेबल लाइफ मिले। जो सुनकर जीवन को याद आता है कि ये सब उसने नशे की हालत में जिस इंसान से बोली थी वो और कोई नहीं बल्कि यूजी था, और क्योंकि उस वक्त उसका चश्मा टूट गया था इसीलिए वो उसे पहचान नहीं पाई। यूजी उसे बोलता है कि मैं तुम्हें पहली बार देखते ही पहचान गया था, और उसे ये भी बताता है कि उसके मन में हमेशा उसके लिए फीलिंग थी और वो उसके लिए स्टेबल बनना चाहता था। ये सब जानकर जीवन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि वो यूजी को कभी पहचान ही नहीं पाई। दूसरी तरफ हम यूनो को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा दुखी होकर अपने रेस्टोरेंट में काम कर रहा था। तभी वहाँ पर उससे मिलने के लिए हुयोन आती है, जो कि उसके लिए दो कॉन्सर्ट की टिकट्स लेकर आई थी ताकि वो जीवन के साथ वहाँ पर जा सके, पर यूनो उन टिकट्स को देखकर इमोशनल हो जाता है और बताता है कि जीवन उसे पसंद नहीं करती। सीन अब यहाँ से वापस जीवन पर आता है, जो कि रात में यूजी की देखभाल कर रही थी और उसके पास ही रुकती है, क्योंकि उसे काफी तेज बुखार था। अगली सुबह जैसे ही यूजी की आंख खुलती है तो वो अपने पास में जीवन को सोता हुआ देखता है। तभी जीवन की भी आंख खुल जाती है, वो चेक करती है कि यूजी को फीवर नहीं है और वो फटाफट से उठकर ऑफिस जाने लगती है, पर यूजी उसे रोक देता है और उससे पूछता है कि कल रात उनके बीच कुछ हुआ तो नहीं, क्योंकि यूजी ने मेडिसिन ली हुई थी और उसे ऐसा लग रहा था कि जीवन उसके सपने में है जबकि वो तो वहाँ पर रियल में थी। इस पर जीवन उसे बोलती है कि हाँ, उनके बीच में बहुत कुछ हुआ था और एक अच्छे इंसान की तरह तुम्हें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, जिसके लिए यूजी हाँ कर देता है। लेकिन फिर वो हंसकर बाहर आ जाती है, क्योंकि वो सिर्फ मजाक कर रही थी। वो अभी आकर उसे हक करके समझाती है कि अगर यूजी उसके लिए सही इंसान नहीं है फिर भी वो उसके साथ ही रहना चाहती है, और बात रही अगर रिग्रेट करने की तो वो दोनों साथ में इसके लिए रिग्रेट कर लेंगे, क्योंकि यूजी की वजह से जीवन अपनी नई लाइफ में लोगों पर ट्रस्ट करना सीखी थी और उसे रियलाइज हुआ कि मिनवन और सुमन के जैसे बुरे लोगों के अलावा काफी अच्छे लोग भी इस दुनिया में मौजूद है। जो सुनकर यूजी भी उसे हक कर लेता है और उसके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए मान जाता है। दोनों अब साथ में ऑफिस जाते हैं, क्योंकि अब दोनों ने एक दूसरे को सीक्रेटली डेट करने का डिसाइड कर लिया था। यूजी अब जीवन को ऑफिस की दूसरी साइड पर ड्रॉप कर देता है, और रिलेशनशिप में आने के बाद दोनों के चेहरे पर अलग ही मुस्कान थी। ऑफिस के बीच में यूजी जीवन को मैसेज करके पूछते हैं कि क्या वो वीकेंड पर फ्री है, तो जीवन उन दोनों को अस कहकर एड्रेस करती है, जिससे यूजी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब जब जीवन किसी काम से दूसरे फ्लोर पर जाने लगती है तो मिनवान उसके पीछे आकर उसे बात करने के लिए बोलते हैं और बोलता है कि उन दोनों को ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए जैसे कि वो एक दूसरे को जानते ही ना हो, क्योंकि अभी भी सभी लोग ऑफिस में मिनवान की बातें कर रहे थे। लेकिन जीवन उसे ये कहकर चली जाती है कि उसे ये सब कुछ पहले सोचना चाहिए था। अब वो लिफ्ट के अंदर आ जाती है, जहाँ पर पहले से ही मिस्टर ली मौजूद थे, जिन्हें देखकर
मिनवान यहाँ से चला जाता है और स्टोर रूम में पहुंचकर अपना गुस्सा निकालने लगता है। इसके बाद वो सुमिन को अपनी मॉम से मिलवाता है क्योंकि अब वो दोनों शादी करने वाले थे। जहाँ पर मिनवान ने अपनी मॉम से झूठ बोला होता कि सुमिन भी काफी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई है और सुमिन भी यहाँ पर काफी सारे झूठ बोल देती है कि उसकी मॉम तो मिनवान को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है और वो एक बहुत ही अच्छा लड़का है। जो सब सुनकर उसकी मॉम भी बोलती है कि तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो क्योंकि तुमने मेरे बेटे को पसंद किया। मॉम के जाने के बाद सुमिन मिनवान से बोलती है कि तुमने अपनी मॉम से झूठ क्यों बोला कि मैं अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हूँ और हम लोग फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें सच बोलना चाहिए ना। इस पर वो बोलता है कि अच्छा बात तो ऐसे करो जैसे तुमने कोई झूठ नहीं बोला, मैं तुम्हारी मॉम से कब मिला। जो सुनकर वो भी चुप हो जाती है क्योंकि ये दोनों एक जैसे ही थे, एक नंबर के झूठे इंसान। फिर मिनवान उसे यहाँ से छोड़कर चले जाता है और खुद ही घर जाने के लिए बोलता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जीवन और यूजी डेट पर जा रहे थे, जहाँ इन दोनों की बातों से मैं पता चलता है कि सुमिन और मिनवान की शादी उसी हॉल में होने वाली है जहाँ पर जीवन और मिनवान की शादी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ जीवन के कहने पर मिस यांग ने अपने पेरेंट्स से अपने हस्बैंड की शिकायत कर दी होती है, जहाँ उनके पेरेंट्स के सामने उसका हस्बैंड बहुत ही अच्छा बनने की एक्टिंग करता है। पेरेंट्स यहाँ पर उसे बोलने लग जाते हैं कि तुम घर पर रहते हो और कोई काम नहीं करते तो क्या तुम बच्ची को भी नहीं संभाल सकते, मेरी बेटी जॉब पर जाती है तो तुम्हारे और बच्चों का ख्याल भी वही रखेगी क्या। फिर वो उसे अपने रेस्टोरेंट में वेटर का काम करने के लिए बोलते हैं ताकि वो वहाँ पर उनकी बच्ची को भी लेकर आ सके ताकि वो सभी साथ में मिलकर उसका ध्यान रखें, जिस चीज के लिए उसे ना चाहते हुए मानना पड़ता है। ये न्यूज मिस यांग जीवन को भी देती है और थैंक्स बोलती है उसे सही डिसीजन लेने में हेल्प करने के लिए, जिससे जीवन बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर यूजी और जीवन साथ में लंच करके बीच पर वॉक करते हैं, जहाँ पर यूजी उसे बोलता है कि तुम मुझे मिस्टर यू बुलाना कब बंद करोगी। तो वो बोलती है कि मैं इसके अलावा तुम्हें क्या बुलाऊं, और उसे पूछने लगती है कि तुम्हारी दूसरी गर्लफ्रेंड्स तुम्हें क्या बुलाती थी। पर वो उसे बताता है कि उसकी लाइफ में अभी तक जीवन के अलावा और कोई नहीं आया है और अब हमेशा वही रहेगी। जो सुनकर वो उसे हक कर लेती है और फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अगले दिन ऑफिस में मिस यांग की सीट पर किम बैठा हुआ होता है, तभी वहाँ पर एक न्यू एम्प्लॉय आता है जो कि मिस्टर किम को मैनेजर समझकर उसे ग्रीट करने लगता है। उसी वक्त वहाँ पर मिस यांग आती है तो उसे देखकर किम उसकी सीट से उठ जाता है और बोलता है कि जल्दी ये सीट मुझे वापस मिल जाएगी क्योंकि मिस यांग उसे डिजर्व नहीं करती। वो उसे और भी चीजें बोले जा रहा था तो जीवन इशारे में मिस यांग को जवाब देने के लिए बोलती है। इस बार मिस यांग भी चुप नहीं रहती और उसे बोलती है कि ये सब बकवास करने के बजाय अच्छा होगा कि तुम अपनी प्रेजेंटेशन पर ध्यान दो, क्योंकि वो तो उसकी बातों से भी ज्यादा खराब थी। जो सुनकर बाकी सभी लोग हंसने लग जाते हैं। जो सुनकर किम बोलता है कि तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही हो, तो वो उसे बोलती है कि तुम भूल गए क्या कि तुम अब मुझसे जूनियर हो, इसीलिए अगर तुम मुझे रिस्पेक्ट से बात करोगे तो तुम्हें भी रिस्पेक्ट मिलेगी। अब उसके सभी के सामने यहाँ पर बेइज्जती हो गई थी, इसे लोग कुछ भी नहीं बोल पाता और चला जाता है। टेरिस पर उसके पास मिनवान आकर उसे सिगरेट ऑफर करता है क्योंकि अब इन दोनों की हालत एक जैसी थी। मिनवान उसे बोलता है कि एक मर्द को ना एक मर्द ही समझ सकता है, तो किम भी उसकी बातों में हाँ मिलाता है और उसे पूछता है कि क्या तुम सच में सुमिन से शादी करने वाले हो, तो मना कर देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सुनकर वो फिर से खुश हो जाता है और उसे आज शाम को उसके साथ सोना बाद में चलने के लिए बोलता है, पर मिनवान मना कर देता है क्योंकि आज मिस यांग ने अपने डैड के रेस्टोरेंट में सभी के लिए पार्टी रखी थी उसके प्रमोशन के लिए। पार्टी में हम देखते हैं कि मिनवान कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, पर फिर मिस यांग सभी के लिए टोस्ट रेज करती है और थैंक यू बोलती है। उसी वक्त वहाँ पर उनके पेरेंट्स आ जाते हैं सभी लोगों के लिए मीट लेकर। वो बोलते हैं कि मिस यांग उनके प्रिंसेस हैं तो सभी लोग उनका अच्छे से ख्याल रखें क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। ये सब देखकर जीवन को अपने डैड की याद आ जाती है क्योंकि वो भी उसे प्रिंसेस कहकर बुलाया करते थे और मन में सोचती है कि उसके डैड जैसा चाहते थे वैसा आज हो चुका है क्योंकि वो एक सही इंसान यानी कि यूजी के साथ है। जो सोचकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है और यूजी को देखकर स्माइल करने लगती है। रेस्टोरेंट के बाहर हम मिस्टर ली को देखते हैं, पर तभी वो यहाँ पर मिस्टर यांग के हस्बैंड को देखते हैं जो कि रेस्टोरेंट में काम करने वाली एक लड़की के साथ किस कर आ रहे थे। ये चीज उन्हें काफी अजीब लगती है, पर वो इस बार में फिलहाल के लिए मिस यांग को कुछ नहीं बताते। अंदर मिस्टर ली को यहाँ पर देखकर हुई शॉक हो जाती है और पूछती है कि मिस्टर ली यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो मिस यांग बताती है कि उन्हें मैंने यहाँ पर आने के लिए इनवाइट किया था। जो सुनकर वो काफी हैरान हो जाती है क्योंकि वो उसका भाई था और वो ऐसे ही किसी पार्टी में नहीं आता था, लेकिन मिस यांग के बुलाने पर आ गया। अगले दिन मिनवान उसकी मॉम और सुमिन ये तीनों ही रेंट पर एक घर देखने के लिए जाते हैं ताकि शादी के बाद ये दोनों उसमें रह सके। जो सुनकर मिनवान हैरान हो जाता है और अपनी मॉम से बोलता है कि आपने तो कहा था ना कि शादी के बाद आप मुझे घर दिलाएंगी, तो बोलती है कि हाँ मैं दिलाऊंगी लेकिन जब तुम्हारी शादी को 2 साल हो जाएंगे तब। जो सुनकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अभी लोग शादी की तैयारियों में लग जाते हैं, जहाँ मिनवान की मॉम सब कुछ अपनी मर्जी से कर रही थी, पर सुमिन को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। यहाँ तक कि उन्होंने शादी के कार्ड भी अपनी पसंद के छपवाए हुए थे जो कि बहुत ही सस्ते और पुराने टाइप का इनविटेशन था। ये देखकर सुमिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और मिनवान पर चिल्लाने लगती है, पर वो बोलते हैं कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मॉम से जाकर बात करो ना। लेकिन वो बोलते हैं कि मैं उनसे ये सब कैसे कह सकती हूँ, तुम्हें अपनी मॉम को समझाना चाहिए, पर उसे तो इस सबसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, वो तो अपना गेम खेलने में लगा हुआ था। जहाँ सुमिन की हालत भी पहले वाली जीवन की तरह हो चुकी थी,
अगले दिन जीवन एक नया इनविटेशन कार्ड बनवाकर जीवन को उसे भेजती है और उसे शादी में आने के लिए बोलती है। तो जीवन ये इनविटेशन यूजी को भी फॉरवर्ड कर देती है। तभी ऑफिस में सभी लोगों के ईमेल पर ही वेडिंग इनविटेशन जाता है, जो देखकर सभी लोग उसके बारे में गॉसिप करने लग जाते हैं कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को चीट करने के बाद उसकी बेस्ट फ्रेंड से शादी कर रहा है। ये जानकर मिस्टर किम भी हैरान होते हैं, पर जब ये बात मेनमैन को पता चलती है तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और मिस्टर ली से इसकी कंप्लेंट करने के लिए जाता है और उन पर चिल्लाने लग जाता है कि आखिर ये न्यूज उन लोगों ने ऑफिस में क्यों सर्कुलेट की। तो वो उसे बताते हैं कि जब कोई भी एम्प्लॉय शादी कर रहा होता है तो उनके डिपार्टमेंट को उसका इन्विटेशन जाता है, क्योंकि बाकी लोग भी तो शादी अटेंड करने जाते हैं ना, और तुम्हें भी हनीमून के लिए छुट्टियां चाहिए होंगी। पर वो बोलने लगता है कि ये सब कुछ मैंने करने के लिए नहीं बोला था। इसके बाद मिस्टर ली लिफ्ट के अंदर यूजी से मिलते हैं, जहाँ पर वो उसे बोलते हैं कि मैं समझता हूँ कि तुम जीवन को पसंद करते हो, लेकिन इस सब के लिए तुम्हें मिनवान और सुमेन के बीच में नहीं आना चाहिए। लेकिन वो उसे साफ साफ बोल देता है कि अगर कोई भी चीज जीवन को कंसर्न करेगी तो मुझे भी कंसर्न करेगी। मिस्टर ली को फिर हम ग्रैंडपा के साथ देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि ग्रैंडपा ने यूजी और जीवन पर नजर रखी हुई थी। और जब वो उन दोनों की डेट की फोटोज देखते हैं, जिसमें यूजी काफी ज्यादा खुश लग रहा था, जहाँ हमें ये भी पता चलता है कि ग्रैंडपा ने जानबूझकर मिस्टर ली को ऑफिस में भेजा था ताकि वो यूजी का ख्याल रख सके, क्योंकि वो हमेशा से अपनी इमोशंस को काफी सप्रेस करके रखता था। लेकिन अब उसे खुश देखकर उन्हें काफी ज्यादा खुश होती है और साथ ही मिस्टर ली को भी। घर पर हम जीवन और यूजी को साथ में देखते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि यूजी ने ही वो इन्विटेशन कार्ड पूरे ऑफिस में सर्कुलेट किया था, जो जानकर जीवन काफी ज्यादा हंसने लगती है और बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि अब उसकी फिक्र करने के लिए वहां पर यूजी भी था। दूसरी तरफ हम मिनवान को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में ड्रिंक करके घर पर आता है, जहां वो सुमिन पर इस बात के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है कि उसने उनकी वेडिंग का इन्विटेशन ऑफिस में क्यों भेजा। वो ये बात सीक्रेट रखना चाहता था कि वो सुमिन से शादी कर रहा है। तो सुमिन बोलती है कि वो इतनी भी बुरी नहीं है, कि मिनवान को सबको उनकी शादी के बारे में बताने में इतनी शर्म आ रही है। वो अब यहाँ पर सुमिन पर बहुत ज्यादा चिल्लाने लग जाता है, पर मिनवान की मॉम यहाँ पर सुमिन की साइड लेती है कि उसने एकदम सही किया, क्योंकि अगर ऑफिस के लोग वहाँ पर आएंगे तो उनके लिए कैश भी तो लेकर आएंगे ना, जो कि उन्हें कलेक्ट करना था। साथ ही वो उसे उस पर चिल्लाने से मना करती है क्योंकि सुमिन प्रेग्नेंट थी, पर मिनवान कहता है कि उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो प्रेग्नेंट है, और वो पागलों की तरह उस पर चिल्लाया जा रहा था, जो देखकर मॉम उसे लेकर रूम के अंदर चली जाती है। वो उसे मिनवान की बातों पर ध्यान देने से मना करती है और अच्छा म्यूजिक सुनने के लिए बोलती है, ताकि उसके होने वाले बच्चे पर ये सबका असर ना पड़े। अब सुमिन वहीं पर बैठ जाती है और कहीं ना कहीं उसे भी अब मिनवान के साथ रिलेशनशिप में आने का रिग्रेट हो रहा था, लेकिन वो ये चीज मिनवान की मॉम के आगे शो नहीं करती। अब मिनवान और सुमिन की वेडिंग का दिन भी आ जाता है, जहाँ पर जीवन जब रेडी हो रही थी तब यूजी उसके घर में आता है और उसे वो नेकलेस गिफ्ट करता है, जो कि उसने उसके लिए कब से खरीद कर रखा हुआ था। वो उसे बोलता है कि तुम बेस्ट डिजर्व करती हो। ये बोलकर वो उसे नेकलेस पहना देता है, और ये वैसा ही नेकलेस था जैसे कि सुमिन के पास है, लेकिन यूजी ने उसे ओरिजिनल वाला गिफ्ट किया था, जो सब कुछ देखकर जीवन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद हम सुमिन को देखते हैं, जो कि वेडिंग ड्रेस में होती है, और वो यहाँ पर खुद को समझा रही थी कि वो जीत चुकी है तो उसे टेंशन नहीं लेनी चाहिए, और भले ये ड्रेस और मेकअप थोड़ा सा आउटडेटेड हो, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा प्रिटी लग रही है। तभी वहाँ पर मिनवान की मॉम आ जाती है, जैसे सुमिन की ड्रेस से थोड़ी सी महंगी ड्रेस पहनी हुई थी, और वो सुमिन से पूछती है कि उसकी मॉम और उसके फ्रेंड्स अभी तक आए क्यों नहीं है। तभी सुमिन की मॉम वहाँ पर आ जाती है, जैसे मिलकर मिनवान की मॉम चली जाती है, लेकिन उसके जाने के बाद हमें पता चलता है कि असल में वो सुमिन की मॉम नहीं है, बल्कि वो तो एक पेड एक्ट्रेस है, और उसने यहाँ पर उसे अपनी मॉम बनकर आने के लिए पैसे दिए हैं, क्योंकि सुमिन ने अपनी मॉम को शायद शादी के बारे में नहीं बताया था और वो यहाँ पर नहीं आने वाली थी। इधर मिनवान अपनी मॉम के साथ सभी गेस्ट का वेलकम कर रहा था, तभी उसका दोस्त वहाँ पर आ जाता है, जो कि मिनवान से बोलता है कि तूने तो कहा था कि वो शादी का मटेरियल नहीं है, फिर भी तो उसे शादी कर रहा है, जो सुनकर मिनवान उसे साइड में लेकर चला जाता है। और तभी यहाँ पर एंट्री होती है यूजी और जीवन की, जिन्हें एक साथ देखकर मिनवान बहुत ज्यादा शॉक रह जाता है, और जीवन से तो उसकी नजरें नहीं हट रही थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रिटी लग रही थी। पर जीवन उसके पास जाकर उसे एक एनवेलप देकर कांग्रेट्स करती है और यूजी के साथ अंदर चली जाती है, जहाँ जीवन को देखकर उसका दोस्त भी एकदम हैरान रह गया था और बोलता है कि ये तो तेरी एक्स गर्लफ्रेंड है ना, मुझे लगता है कि तूने उसे डम नहीं बल्कि उसने तुझे डम किया है। उसके जाने पर मिनवान जैसे एनवेलप खोलता है तो उसके अंदर उसने उसे सू किया हुआ था, क्योंकि मिनवान ने उससे पैसे उधार लिए थे, जो देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, पर वो अभी कुछ भी नहीं कर सकता था। जीवन फिर सुमिन से मिलने के लिए जाती है, जिसे देखकर वो सोचने लग जाती है कि आखिर उसने अब सब कुछ बदल ही दिया, क्योंकि पहले जीवन उसी वेडिंग ड्रेस में बैठी हुई थी और मिनवान से उसकी शादी हुई थी, लेकिन अब उसकी जगह पर सुमिन थी। फिर वो सुमिन को बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हो, तो सुमिन भी इतराते हुए उसके सामने बोल पड़ती है कि ये ड्रेस मेरी मदर इन लॉ ने सिलेक्ट करी है और वो ना मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह समझती है, जो सुनकर जीवन हंसने लग जाती है और बोलती है कि ये तो अच्छी बात है कि तुम उनके साथ काफी अच्छे से घुल मिल गई हो। सुमिन फिर यहाँ पर उसे फोटो क्लिक करवाने के लिए बोलती है, लेकिन जीवन कहती है कि सबकी कोई जरूरत नहीं है। वो उसके पास जाकर उसके पैरों पर वो बैग फेंक देती है
और बोलती है कि ये बैग मुझे मिनवान ने दिलवाया था, इसलिए मैं वापस कर रही हूँ। अब तुम चाहो तो इसे रख लो या फिर बेच देना। फिर वो उसके पास आकर उसे कंग्रेचुलेट करते हुए बोलती है कि मेरा फेंका हुआ कचरा तुमने बहुत ही अच्छे से संभाल कर रखा है। ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है, जिसे ऐसे देखकर सुमिन हैरान हो जाती है। वेडिंग रूम में जाने से पहले वो अब खुद को समझा रही थी कि वो जीवन से जीत चुकी है, क्योंकि उसने उसका बॉयफ्रेंड और उसकी फैमिली सब कुछ छीन लिया है, और मिनवान उसका कोई फेंका हुआ कचरा नहीं है बल्कि उसने उसको उससे छीना है। अब वो स्माइल करते हुए वेडिंग हॉल में जाती है, जिसको इस तरीके से आता और जीवन अपने टाइम के बारे में याद करने लगती है, क्योंकि ठीक इसी तरीके से उसकी भी शादी यहाँ पर हुई थी। और फाइनली इन दोनों की शादी हो जाती है, जो देखकर यूजी और जीवन काफी ज्यादा खुश होते हैं। पर हुई उन्हें यहाँ पर बोलने लग जाती है कि सुमन को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो अपनी मॉम पर बिल्कुल भी नहीं गई है। और आजकल ना ऐसा भी होता है कि लोग बिग एक्ट्रेस को हायर कर लेते हैं, तो शायद ही वही होगी। लेकिन जीवन इस बात पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि उनका काम था उनकी शादी करवाना, जो कि हो गया था। तभी वहाँ पर यून हो आता है, क्योंकि सुमन ने उसे भी अपनी वेडिंग में इन्वाइट किया था, जो जीवन को बताता है कि गलती से मैंने वो कार्ड उन बुली गर्ल्स को भी दिखा दिया था। तभी वहाँ पर उन तीनों लड़कियों की एंट्री होती है एकदम बोल्ड आउटफिट में। वो यहाँ पर सुमिन से बदला लेने के लिए आई हुई थी। वो सुमिन के पास जाकर बोलती है कि देखो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग के अंदर आ गई, और तुम्हें कैसा लग रहा है अपनी बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को चुरा कर उसे शादी करने में। जो सुनकर मिनवान तो यहाँ से भाग ही जाता है। सुमिन इन लोगों को यहाँ से जाने के लिए बोलती है, लेकिन वो लोग यहाँ से नहीं जा रही होती। तभी मिनवान की मॉम बीच में आ जाती है और बोलती है कि आखिर तुम हो कौन। तो बता देती है कि हम लोग ब्राइड की बेस्ट फ्रेंड है। जो सुनकर उसकी मॉम को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि ऐसी लड़कियां इसकी दोस्त हैं। वो इन लड़कियों को यहाँ से जाने के लिए बोलती है और कहती है कि तुम्हें पता भी है तुम किसकी शादी में आई हो। तो बोलती है कि हाँ, मैं ऐसी कुत्ते की शादी में आए हैं, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को चीट करके उसकी बेस्ट फ्रेंड से शादी कर रहा है। ये सुनकर मिनवान की मॉम को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें भगाने के लिए उनके पीछे दौड़ती है। ये लोग भी अब जब भागते भागते यहाँ से जा रहे थे, तो जीवन को देखकर स्माइल कर रहे थे, क्योंकि अब उन लोगों ने सुमन को पूरी शादी में एम्बेरस करके उससे अपना बदला ले लिया था और वो जीवन के भी फ्रेंड्स बन गए थे। फिर यूजी जीवन को यहाँ से लेकर चला जाता है, और यहाँ पर अब यून्यो और हुयोन रह गए थे। तो हुयोन उसे अपने साथ एक अच्छी जगह पर लंच करने के लिए इनवाइट करती है, क्योंकि उसे खाना बहुत ज्यादा पसंद था, तो वो भी उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। सीन अब यहाँ से मिस यांग पर आता है, जो कि वेडिंग में नहीं आई थी। वो ऑफिस के स्टोर रूम में बैठकर रो रही थी। तभी मिस्टर ली वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि उससे बोलते हैं कि मैंने तुम्हें यहाँ पर अकेले इस तरह से आने के लिए मना किया था ना। पर वो इमोशनल होकर बोलने लग जाती है कि इस न्यूज को मिलने के बाद वो घर पर जाकर रिग्रेट नहीं कर सकती थी, क्योंकि वहाँ पर उसकी बच्ची है। तो मिस्टर ली उसे साफ साफ बताने के लिए बोलते हैं, जिस पर वो बता देती है कि उसे स्टमक कैंसर हो गया है। जो देखकर हम समझ पाते हैं कि जीवन का फेट मिस यांग के पास चला गया था, क्योंकि वो भी काफी हद तक उसकी तरह थी और उनका हस्बैंड भी उस पर चीट कर रहा था। लेकिन जीवन को लग रहा था कि मिनवान और सुमिन की शादी करवा कर उसने सब कुछ सॉल्व कर दिया, जबकि उसका उल्टा ही हो गया। यानी कि शायद अब मिस यांग के साथ वो सब कुछ होने वाला था जो कि जीवन के साथ हुआ था। दूसरी तरफ जीवन भी यूजी के साथ घर पर पहुंचती है, तो वहां पर पहले से यूरा उनका वेट कर रही थी, जो जीवन को बताती है कि वो यूजी की एक्स फियांसे है और शायद यूजी ने उसकी वजह से उसके साथ एंगेजमेंट तोड़ी। जो सुनकर जीवन थोड़ी सी सरप्राइज होती है, क्योंकि उसे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जीवन अब यहाँ पर अपने पुराने टाइम को याद कर रही थी और बताती है कि कैसे उसने हमेशा सिर्फ गलत हाथों को ही चुना है। जहाँ पर हम देखते हैं कि जीवन की मॉम जब उसे और उसके डैड को छोड़कर किसी और आदमी के साथ चली गई थी, जब जीवन के डैडी उसका ख्याल रखते थे और वो काफी ज्यादा मेहनती भी थे, जिन्हें इस तरीके से देखकर जीवन उन्हें एक नई कार लेने के लिए बोलती है, पर वो मना कर देते और बोलते हैं कि उन्हें यही कार ज्यादा पसंद है। वो उसे अपना ख्याल रखने के लिए बोलकर अपने काम पर चले जाते हैं। फिर जब जीवन एक शॉप से सामान ले रही थी, तो वहाँ पर दो आंटी उसके बारे में बात करने लग जाती है कि ये बच्ची अपनी मॉम की तरह काफी सुंदर है और मुझे उस पर काफी तरस आता है, क्योंकि उसकी मॉम उसे छोड़कर चली गई। जहाँ पर उसके सारे पड़ोसी टाइम पास करने के लिए उसकी मॉम के बारे में ही गॉसिप करते थे, और जीवन को ये सबसे बुरा भी लगता था, क्योंकि वो अपने टीनेज इयर्स में थी लेकिन वो किसी को कुछ बोल नहीं सकती थी। अब जब वो सामान लेकर घर जा रही थी, तभी वो रास्ते में अपने डैड को जाता हुआ देखते हैं, तो वो भी उनके पीछे पीछे जाती है। जहाँ पर हम जीवन की मॉम को उसके नए हस्बैंड के साथ देखते हैं, जो कि अपनी लाइफ काफी इंजॉय कर रही थी, जिन्हें इस तरीके से देखकर जीवन के डैड को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और साथ ही जीवन को भी। वो सी साइड पर जाकर रोने लगती है और प्रेजेंट वाली जीवन हमें बताती है कि तब से लेकर आज तक उसने सोच लिया था कि वो दुनिया की सबसे अनलकी गर्ल है। इसके बाद जब जीवन एक शॉप पर सामान लेने के लिए जाती है, तब उसे रियलाइज होता है कि उसका वॉलेट कहीं पर गिर गया है। तो शॉप की जो आंटी होती है वो उसे ताने मारने लग जाती है कि बेटे तुम्हारी मॉम तो तुम्हें छोड़कर भाग गई है, इसलिए तुम्हें काफी स्मार्ट बनना होगा ताकि लोग तुम पर उंगली ना उठा पाए। तभी वहाँ पर सुमिन आती है, जो कि उस आंटी को ऐसी बातें करने से मना करती है और जीवन को उसका पर्स वापस करती है। और उसी वक्त से जीवन ने जो भी लोग उसकी तरफ आते थे उनकी तरफ हाथ बढ़ाया, चाहे वो बुरे ही क्यों ना हो।
जैसे कि सुमिन और मिनवान, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करना है। लेकिन इस दूसरी चांस में उसने सोचा था कि वो उसके साथ सब कुछ अच्छा होगा और वो बहुत ज्यादा खुश रहेगी। लेकिन शायद इस बार भी उसने बुरी चीजों की तरफ हाथ बढ़ाया था। यहाँ से अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर यूरा यूजी को बोलती है कि मैंने तुम्हें काफी बार कॉल किया था लेकिन तुमने मेरा फोन नहीं उठाया, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आ गई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। जो सुनकर यूजी जीवन को बोलता है कि मैं तुम्हें ये सब एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन वो अपना हाथ छुड़ाकर यहाँ से चली जाती है। वो अपने घर पर काफी ज्यादा अपसेट हो रही थी, तभी उसे हुयन का कॉल आता है जो कि जीवन को मिस यांग के स्टमक कैंसर के बारे में बताती है। ये सुनकर जीवन और ज्यादा दुखी हो जाती है, जिससे उसे रियलाइज हो जाता है कि उसका फेट मिस यांग के पास चला गया है। ये जानकर वो काफी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि वो ऐसा करना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूरी ग्रैंडपा से मिलती है, जहाँ पर ग्रैंडपा उसकी काफी तारीफ कर रहे थे क्योंकि वो काम में बहुत ज्यादा अच्छी थी और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी थी। यूरा यहाँ पर बोलने लग जाती है कि उसने अपनी एंगेजमेंट यूजी से इसीलिए तोड़ी थी क्योंकि उस वक्त यूजी उसे पसंद नहीं था, लेकिन अब तो वो काफी चार्मिंग हो गया है। वो यहाँ पर उन्हें हिंट दे रही थी कि वो फिर से यूजी से एंगेजमेंट करना चाहती है। फिर वो उनसे यहाँ कुछ टाइम कोरिया में रहने की परमिशन मांगती है, जिसके लिए वो हाँ कर देते हैं। लेकिन हम देख पाते हैं कि यूरा यहाँ पर कुछ और इरादे से आई थी। उसने यूजी और जीवन पर बुरी नजर रखी हुई थी, जहाँ पर वो इन दोनों की फोटोज को देखते हुए बोलने लग जाती है कि अगर मेरा बॉयफ्रेंड मेरी बेस्ट फ्रेंड से शादी कर ले तो मुझे दुखी होना चाहिए या फिर इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि मुझे कोई और रिच लड़का मिल गया है। अगले दिन जीवन एक कार खरीद कर मिस यांग को हॉस्पिटल से घर छोड़ने के लिए जा रही थी, जहाँ पर वो उसे बोलती है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले सब कुछ हैंडल कर लूंगी क्योंकि तुम्हारे साथ मुझे काफी वीक फील होता है, लेकिन जब मैं अकेले होती हूँ तो स्ट्रांग बनने की कोशिश करती हूँ। तब भी जीवन गाड़ी साइड में लगाती है और उन्हें बोलती है कि इसीलिए मैं आपके साथ हूँ। वो उन्हें समझाती है कि आपको इस तरीके से हमेशा स्ट्रांग बनकर रहने की जरूरत नहीं है और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सीखो। उन्हें गले लगाकर रोने के लिए बोलती है ताकि उनका मन हल्का हो सके, फिर वो भी उनके साथ ही रोने लग जाती है। इसके बाद हम सुमिन और मिनवान को देखते हैं, जो कि अपने हनीमून पर गए हुए थे, लेकिन मिनवान की मॉम ने उन्हें कहीं बाहर जाने नहीं दिया होता क्योंकि उनके अकॉर्डिंग सुमिन प्रेग्नेंट है और उसके लिए एयरप्लेन में फ्लाई करना अच्छा नहीं होगा, जिस चीज से सुमिन बहुत ज्यादा नाराज होती है और मिनवान से कंप्लेन करती है। तब मिनवान उसे समझाता है कि तुमने शादी तो कर ली है पर तुम्हें शादी के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि इस तरीके से शादी नहीं चलती है, दोनों हस्बैंड वाइफ को अपने रोल्स निभाने होते हैं। मेरी मॉम ने जो कुछ भी किया तुम उसकी हर चीज के लिए कंप्लेन कर रही हो, जबकि मैंने अभी तक भी किसी चीज के लिए कोई कंप्लेन नहीं की है। जो तुम्हारी फ्रेंड्स आकर शादी पर हंगामा करके गई थी उसके बारे में मैंने तुम्हें कुछ नहीं बोला। तो सुमिन बोलती है कि घर आने के बाद गुस्से में तुमने मुझ पर फोन फेंक के मारा था। इस पर मिनवान कहता है कि वो दोनों अलग चीजें हैं। तभी मिनवान को उसके दोस्त का कॉल आ जाता है और वो उसे बाहर आकर बात करता है, जहाँ में पता चलता है कि शायद मिनवान की मॉम ने उसे कुछ पैसे दिए थे जो कि घर खरीदने या फिर उसे रेंट पर लेने के लिए थे, लेकिन उस प्रॉपर्टी को मिनवान ने बेच दिया था क्योंकि उसे अपना कर्जा चुकाने के लिए पैसों की जरूरत थी और यहाँ वो अपनी मॉम से ही बहाना लगाने वाला था। उसका दोस्त उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मॉम इस सब पर विश्वास करेंगी और तुम्हारी वाइफ तुम उसे कैसे समझाओगे। वो बोलता है कि ये मेरी वाइफ के पैसे नहीं है, इसलिए उसका इस सबसे कोई भी लेना देना नहीं। तभी वहाँ पर सुमिन आ जाती है जो कि उसकी बात सुन लेती है और उससे पूछने लगती है कि वो किस सब के बारे में बात कर रहा था। तो अब मिनवान को उसे सब कुछ बताना पड़ जाता है। सीन अब यहाँ से जीवन पर आता है, जो जैसे ही ऑफिस पहुँचती है तो वहाँ पर किम उसे बोलने लग जाता है कि वो ऑफिस आस में भी टाइम वेस्ट करने के लिए इधर उधर घूमती रहती है, पर जीवन उसे अच्छे से जवाब देती है और बोलती है कि वो भी तो ऑफिस आस में टाइम पास करने के लिए स्मोकिंग करने जा रहा है। साथ ही वो उसे चलकर फूड किट वाला प्रोजेक्ट रिव्यू करने के लिए बोलती है, लेकिन वो कहता है कि अब हमें ये करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ही जीवन हुई उनसे मिलती है तो उसे पता चलता है कि उसकी कंपनी ने जिस शेफ को हायर किया था इस प्रोजेक्ट के लिए वो उनके साथ काम करने से मना कर देता है, जिसके पीछे हुई उनको लग रहा था कि शायद किम का हाथ है क्योंकि उसके काफी कनेक्शंस थे। पर तभी यूजी जीवन को यहाँ पर बुलाने के लिए आ जाता है, जहाँ वो उसे इस तरीके से बुलाने के लिए माफी मांगता है क्योंकि वो उससे बात नहीं कर रही थी। तो जीवन बोलती है कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए सब के बारे में सोचने के लिए। इस पर जीवन उसे बोलते हैं कि क्या तुमने पहले कभी मेरी शादी के बारे में सुना था, क्योंकि जीवन की डेथ होने तक भी यूजी ने शादी नहीं की थी, लेकिन उसकी डेथ के बाद यूजी को जीवन की इम्पोर्टेंस पता चली। वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हें एक फैमिली चाहिए, क्योंकि ये भी जीवन ने उसे नशे की हालत में बोला था, और बोलने लग जाता है कि पहले मैंने सोचा कि मैं शायद बिना किसी फीलिंग्स के साथ यूरा के साथ शादी कर लूंगा, लेकिन इस लाइफ में वापस आने के बाद मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने उसे एंगेजमेंट तोड़ ली जो कि मैं फ्यूचर में भी करने ही वाला था, लेकिन इस बार मैंने ये काम थोड़ा पहले कर लिया। लेकिन जीवन उसकी बात नहीं सुनती, वो कहती है कि अभी उसको उसकी सारी बातें सिर्फ एक्सक्यूज लग रही है, और फिर वो रोते हुए यहाँ से जाने लगती है। पर यूजी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे एक डॉक्टर का कार्ड देता है, जिससे यूजी ने मिस यांग की सर्जरी के बारे में बात कर ली थी ताकि उनको बेस्ट ट्रीटमेंट मिल सके। तो जीवन इमोशनल होकर उस कार्ड को लेके यहाँ से चली जाती है। अब जब जीवन काम कर रही थी तभी उसे यूरा का कॉल आता है, जो कि उसे एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ पर जीवन उसे माफी मांगती है और बताती है कि अब उसने यूजी से मिलना बंद कर दिया है।
क्योंकि उसे उसकी एंगेजमेंट के बारे में नहीं पता था। पर यूरा कहती है कि पहले तो 7 साल तक तुम्हारा एक ही बॉयफ्रेंड था, लेकिन उससे ब्रेकअप होने के बाद एकदम से तुम्हें अपने बॉस से प्यार हो गया। लेकिन जीवन उसे इस बात का कोई जवाब नहीं देती और उठकर जाने लगती है, तो यूरा वहां पर रखा हुआ वाइन का ग्लास नीचे गिराकर तोड़ देती है और जीवन को बोलती है कि तुम्हारे जैसे लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो सब कुछ जानने के बाद भी एकदम अनजान बनने का नाटक करते हैं। तुम्हें पता है कि यूजी काफी रिच है और यूएन की कंपनी का वारिस है, इसीलिए तुम उसके क्लोज आई ना। जो सुनकर जीवन उसे देखकर स्माइल करने लग जाती है और बोलती है कि मुझे भी तुम्हारे जैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो लोग खुद है वैसे ही बाकी लोग भी हैं। और बोलती है कि यूजी कंपनी का मालिक हो या फिर नहीं हो, उसे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और आज तक उसके लाइफ में जितने भी चेंजेस आए हैं वो सब उसकी खुद की वजह से आए हैं, न कि यूजी की मदद से। ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है और यूरा कुछ भी नहीं कह पाती। फिर जब यूजी अपने घर पर आता है तो बाहर उस नेकलेस को रखा हुआ देखता है जो कि जीवन ने उसे वापस कर दिया था। घर जाकर जीवन पहले तो काफी ज्यादा अपसेट थी, लेकिन फिर वो खुद को संभाल कर मिस यांग के बारे में सोचने लग जाती है कि क्या उनके साथ भी वही सब कुछ होगा जो कि मेरे साथ हुआ था। सीन अब यहाँ से मिस यांग पर आता है, जिसे उसका हस्बैंड ट्रीटमेंट के लिए कहीं पर लेकर जा रहा था, जिन्हें इस तरीके से जाता हुआ मिस्टर ली भी देख रहे थे, और साथ ही यहाँ पर वो उस लड़की को भी देखते हैं जिसने कि मिस यांग के हस्बैंड को किस की थी। फिर वो खुद से बोलते हैं कि आखिर मैं ये सब क्या कर रहा हूँ। अगले दिन ऑफिस में जीवन को मिस यांग का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि तुमने जिस डॉक्टर का कार्ड दिया था मेरी उससे बात हो गई है और शायद वो मेरी सर्जरी भी करेंगे, जो सुनकर जीवन थोड़ी सी खुश हो जाती है और उसे रिलीफ मिलता है। तभी वो यहाँ पर यूजी को देखने लग जाती है कि कैसे उसने पहले से एक अच्छे कैंसर डॉक्टर के बारे में रिसर्च कर रखी हुई थी ताकि वो इस लाइफ में जीवन को बचा सके। वो यहाँ पर सोचने लगती है कि मैंने सुमिन और मिनवान की शादी तो करा दी, लेकिन मेरा फेट उन लोगों के पास नहीं गया, क्योंकि शायद ये फेट हस्बैंड से रिलेटेड है, यानी कि मिस यांग का हस्बैंड भी उसे चीट करेगा। और वैसे भी सुमिन और मुझ में काफी अंतर है, उसकी शादी मिनवान से तो हो गई है लेकिन मेरी तरह वो उस घर के अंदर एडजस्ट नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ हम सुमिन और मिनवान को उनकी मॉम के सामने देखते हैं, जहाँ पर वो लोगों ने बता देते हैं कि उनके साथ स्कैम हुआ है, उनके पैसे भी चले गए और उन्हें घर भी नहीं मिला। जो सुनकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और मिनवान को मारने लगती है और सुमिन को बोलती है कि इस सब में तुम्हारी भी गलती है, तुम्हें भी इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए था। लेकिन इस बार सुमिन खड़े होकर उसकी मॉम को जवाब देती है। वो बोलती है कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, आपने पैसे मिनवान को दिए थे और उसे ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहा था, तो फिर आप मुझे कैसे ब्लेम कर सकती हो। मिनवान की मॉम बोलती है कि मैं तो तुम्हें इतने अच्छे से ट्रीट कर रही हूँ और तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो। तो सुमिन बोलती है कि मेरे पास पैसे थे क्योंकि मैंने स्टॉक में इन्वेस्ट किए थे जिससे मुझे काफी अच्छे रिटर्न मिले, लेकिन मिनवान ने मुझे वो पैसे लाने से मना किया था। और जब हम हनीमून पर थे तो मुझे एक बात पता चली, या वो मिनवान की कर्जे वाली बात बताने वाली होती है, लेकिन वो उसे घूर घूर कर देखने लग जाता है तो वो रुक जाती है और मिनवान की मॉम को बोलती है कि आपको अपनी बेटी को नहीं मारना चाहिए क्योंकि वो अब इस घर को संभालेगा और साथ ही वो मेरे होने वाले बच्चे का पापा है। जो सुनकर उनकी मॉम भी चुप हो जाती है। और अब क्योंकि वो लोग मिनवान के पेरेंट्स के साथ ही रहने वाले थे तो रूम में जाकर मिनवान सुमिन से बोलता है कि अब वो उसे शादी करके इतना ज्यादा गिल्टी भी नहीं है क्योंकि आज उसने उसे बचाया, और तुम चिंता मत करो जैसे ही हमारा बेबी होगा ना तो मेरी मॉम हमें जरूर से घर दिलवा देगी। लेकिन सुमिन उसे सच बता देती है कि उसका कोई बेबी नहीं है, जो सुनकर मिनवान हैरान हो जाते हैं। सुमिन बताती है कि जब उस दिन तुमने गुस्से में मुझ पर फोन फेंक के मारा था तब मुझे पेट में काफी दर्द हो गया और मेरा मिसकैरेज हो गया, और ये बात मैंने किसी को भी नहीं बताई। जो बात सुनकर मिनवान बहुत ज्यादा इमोशनल होकर रोने लगता है, पर फिर वो सुमिन के पास आकर बोलता है कि जब हम हनीमून पर थे तब तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें बेबी की वजह से मीट खाने की क्रेविंग हो रही है। इस पर सुमिन बोलती है कि तुमने भी तो मुझसे झूठ बोला था ना कि तुम्हारे पास घर है, तो क्या है तुम्हारे पास। जो सुनकर वो चुप हो जाते हैं क्योंकि अब ये दोनों ही इक्वल हो गए थे, लेकिन जब मिनवान जीवन के साथ रिलेशनशिप में था तो वो सिर्फ हमेशा उसे ही पागल बनाया करता था। आगे हम देखते हैं कि जब जीवन ऑफिस में देर रात तक काम कर रही थी तभी हुयोन उसके लिए स्नैक्स लेकर आती है। जब दोनों ने साथ में बैठकर खा रहे थे तभी हुयोन उसे बता देती है कि असल में ये स्नैक्स मैं नहीं लेकर आई हूँ बल्कि ये यूजी ने आपके लिए भेजे थे। अब वो यहाँ पर उसे बताने लग जाती है कि यूजी ने यूरा से एंगेजमेंट मेरे कहने पर करी थी क्योंकि उसने कहा था कि उसे एक स्ट्रांग फैमिली बनानी है और उसे डेटिंग वगैरह करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो एक रोबोट की तरह बिहेव करता था, वो कुछ भी फील नहीं करता था, जिसकी वजह से उसने ऐसा हुयोन के कहने पर कर लिया था। पर उसने अपने सेंसेस में आने के बाद उस एंगेजमेंट को तोड़ लिया, जो कि एक सही डिसीजन था क्योंकि यूरा उसके लिए सही लड़की नहीं है। साथ ही वो ये भी बोलती है कि मैंने नोटिस किया है कि वो तुम्हारी बहुत ज्यादा केयर करता है और तुम्हारे लिए फील भी करता है, लेकिन जीवन उसे अब इस बारे में और बात नहीं करना चाहती थी और उठकर जाने लगती है। पर हुयोन उसे रोकती है और उसे बताती है कि मैं यूजी की रियल सिस्टर नहीं हूँ, जहाँ हमें पता चलता है कि यूजी की डैड की 2 वाइफ्स थी और जो हुयोन है वो दूसरी वाइफ की बेटी है। वो बोलती है कि मेरी मॉम और मेरी वजह से यूजी पहले भी काफी ज्यादा हर्ट हो चुका है, इसीलिए वो किसी को भी चीट नहीं कर सकता, यानी कि वो उसे इनडायरेक्टली ये समझा रही थी कि यूजी ने उसे कोई चीट नहीं किया है। दूसरी तरफ जब यूजी ग्रैंडपा के घर जाता है तो देखता है कि वहां पर यूरा आई हुई थी, जिसे देखकर वो उसे बाहर तक छोड़ने के लिए जाता है,
जहाँ वो उसे बोलता है कि वो इतना सब कुछ क्यों कर रही है। उसने उससे एंगेजमेंट तोड़ दिया तो क्या वो उसके डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं कर पाई। जिस पर वो बोलती है कि जब मुझे पता चला कि तुम्हारी लाइफ में कोई और लड़की है तब मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, और अब तो तुमने अपना ड्रेसिंग स्टाइल वगैरह सब कुछ भी चेंज कर लिया है, तो क्या ये सब जीवन की वजह से है। जहाँ पर वो उसे ये भी बोलती है कि तुम्हें तो पता ही है कि मेरी चीजों को अगर कोई और ले तो ये चीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ से हमें 2017 का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूरा को जब ये लगा था कि कोई लड़की यूजी के करीब आने की कोशिश कर रही है तो उसने किसी को हायर करके उसे बहुत ज्यादा पिटवाया था, जिससे उसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो गई थी। प्रेजेंट में उसे ड्रॉप करने के बाद यूजी ग्रैंडपा से बात करने के लिए जाता है, जहाँ ग्रैंडपा उसे समझाते हैं कि यूरा एक अच्छी लड़की है क्योंकि उसे इस फैमिली में शादी करने की वैल्यू पता है और वो तुम्हारे लिए पोजेसिव भी है। ये सुनकर यूजी उनसे पूछता है कि जब मेरी मॉम बीमार थी तो क्या उस वक्त मेरे डैड ने भी हुयोन की मॉम के अंदर यही सब देखकर उनसे शादी की थी। वैसे तो यूजी अपनी स्टेप मॉम के साथ नहीं रहना चाहता था, लेकिन जब उसे पता चला कि उनकी 5 साल की बेटी है तो उसने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। तभी से उसने डिसाइड किया था कि वो अपने फादर की तरह कभी भी नहीं बनना चाहता, लेकिन जैसा हम चाहते हैं वैसा कभी भी नहीं हो पाता, और अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ये सब बोलकर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और ग्रैंडपा भी उसे कुछ नहीं बोलते। इसके बाद हम यूरा को देखते हैं जो कि मिनवन और सुमिन की शादी की फोटोज देखती है और बोलती है कि शायद इन लोगों को पता नहीं है कि यूजी कौन है, अगर इन लोगों को उसके बारे में पता चलेगा तो क्या होगा। अगले दिन फिर हम सुमिन को देखते हैं जो कि जैसे ही सुबह उठती है तो देखती है कि पूरे घर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रखी थी। मिनवान की मॉम कहीं बाहर जा रही थी और सुमिन को पूरा घर अच्छे से साफ करने के लिए बोलती है, जो चीज ना चाहते हुए भी सुमिन को करनी पड़ती है, पर ये सब करते हुए उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी यूरा उसके घर पर यूजी और जीवन की कुछ फोटोज भेजती है और साथ ही कंपनी के कुछ पेपर्स भी, जिसे सुमिन को पता चल जाता है कि यूजी तो कंपनी का मालिक है और जीवन अब उसे डेट कर रही है। ये जानकर वो पागलों की तरह हरकतें करने लग जाती है कि जीवन के लिए मिनवान एक कचरा था जो कि उसने उसके ऊपर थोप दिया और खुद एक रिच आदमी के साथ है, जो जानकर वो गुस्से में अपनी और मिनवान की फोटो भी तोड़ देती है। शाम को जब मिनवान घर आता है तो घर की ऐसी हालत के बारे में अपनी मॉम से पूछता है, जिस पर वो बोलता है कि जाकर अपनी बीवी से पूछा, उसी ने ये सब कुछ किया है और खुद को रूम के अंदर लॉक कर लिया है। मिनवान अब जैसे सुमिन से मिलता है तो वो उसे भी वो सारी चीजें दिखाती है, लेकिन वो जीवन के ऊपर गुस्सा करने की बजाय यूजी से जेलिस हो रहा था, जो देखकर उसे मिनवान पर और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ये आदमी कचरा तो है ही और साथ में बेवकूफ भी। वो बोलती है कि जीवन ने अपना कचरा मुझे दे दिया और खुद वो एक रिच आदमी के साथ है, हमें उससे बदला लेना होगा और तुम्हें अपना कर्जा भी पे करना है ना, तो 100 मिलियन बहुत रहेंगे क्या। मिनवान बोलता है कि तुम पागल हो गई हो, ये सब तुम कैसे करोगी, और वो तुम्हें इतने पैसे कभी नहीं देगी। पर सुमिन गुस्से में बोलती है कि जीवन को मैं बहुत ही अच्छी तरह से जानती हूँ और उसे करना ही होगा। फिर वो किसी को मैसेज करती है। रात में जीवन को उसकी मॉम का मैसेज आता है जो कि उसे मिलने के लिए बुलाती है, जिनका मैसेज अचानक से देखकर जीवन काफी हैरान थी। अगली सुबह जीवन अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर उसकी मॉम उसे बोलती है कि तुम तो कितनी ज्यादा प्रिटी हो, तो जीवन बोलती है कि हाँ मैं बिल्कुल आप पर गई हूँ। जीवन के कन्फ्रंट करने पर उसकी मॉम उसे बोल देती है कि हाँ मैं तुम्हें छोड़कर चली गई थी क्योंकि मैंने तुम्हारे डैड से शादी तो कर ली थी, लेकिन मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कभी भी उनसे प्यार नहीं कर पाई, और जब मुझे किसी से प्यार हुआ तो मैं उसके साथ अपनी जिंदगी जीने के लिए चली गई। मैं तुम्हें काफी ज्यादा मिस करती थी और मैंने तुमसे मिलने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारे डैड ने मुझे तुमसे मिलने नहीं दिया, और जब तुम्हारे डैड की डेथ हुई तब भी मैं तुमसे मिलने की हिम्मत नहीं कर पाई। पर जीवन बोलती है कि डैड ने मुझे बहुत ही अच्छे से पाला है, लेकिन फिर भी मॉम की कमी हमेशा मेरी लाइफ में रही थी क्योंकि मैं उस वक्त सिर्फ एक टीनेजर गर्ल थी जो कि हमेशा गलत लोगों से मिलती रही। मुझे पता ही नहीं था कि अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करना है क्योंकि मुझे सिखाने वाला कोई भी नहीं था। जो सुनकर उसकी मॉम भी इमोशनल हो जाती है और उसे माफी मांगती है। फिर दोनों कॉफी शॉप से बाहर आते हैं, जहाँ पर जीवन अपनी मॉम से कल मिलने की बात करती है। अगले दिन फिर वो अपनी मॉम को अपनी कार में लेकर जाती है, जहाँ पर वो उनके साथ काफी सारी फोटोज खिंचवाती है, उन्हें बैग दिलवाती है, कपड़े दिलवाती है, यहाँ तक कि नेकलेस भी गिफ्ट करती है, जो देखकर जीवन की मॉम बहुत ज्यादा खुश होती है और बातों ही बातों में बोल पड़ती है कि ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि तुम एक रिच लड़के को डेट कर रही हो, तो तुम्हें पता है कि पैसे को कैसे खर्च करना है। अब जब उसे रियलाइज होता है कि उसके मुंह से क्या बात निकल गई तो वो चुप हो जाती है, पर जीवन बोलती है कि वो ये सब कुछ पहले से ही जानती थी क्योंकि उसके फादर की डेथ होने के बाद जब जीवन ने कॉलेज में एडमिशन लिया तब भी वो उससे मिलने के लिए नहीं आई, जब उसकी जॉब लगी तब भी वो उससे मिलने के लिए नहीं आई, लेकिन अब जब वो किसी रिच लड़के को डेट कर रही है तो वो उससे मिलने के लिए आ गई। जहाँ हम जान पाते हैं कि असल में सुमिन ने ही जीवन की मॉम को भेजा था ताकि वो उससे पैसे निकलवा सके। जीवन की मॉम बोलती है कि जब तुम्हें ये सब कुछ पहले से ही पता था तो तुमने मुझे ये सब क्यों दिलवाया, तो जीवन बोलती है कि क्योंकि मैं अपनी मॉम के साथ एक बार डेट पर जाना चाहती थी, जहाँ पर मैं और मेरी मॉम अच्छे से खुशी खुशी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करे, और जिस लड़की की आप बात कर रही हो उससे मैंने ब्रेकअप कर लिया है। जो सुनकर उसकी मॉम उसे रोकती है और बोलती है कि अगर तुम मुझे 100 मिलियन वॉन दोगी ना तो उसके बाद मैं तुमसे कभी भी नहीं मिलूंगी। पर जीवन बोलती है कि आपने एक मॉम की बजाय एक औरत होकर जीना ज्यादा जरूरी समझा, इसलिए अब ना तो मेरे पास पैसे है और ना ही मेरी कोई मॉम है,
जैसे तुम जी रही थी ना वैसे ही जाकर जियो। ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और क्योंकि अब यूरा का ये प्लान भी फेल हो गया था, जिसकी वजह से वो सीधे मिनवान से मिलने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ जीवन यूजी को देखने के लिए जूडो अकेडमी में जाती है, जहाँ पर वो जूडो प्रैक्टिस कर रहा था, तो वो इसे छुपकर देखने लगती है। पर यूजी उसे देख लेता है, जिसकी वजह से उसका ध्यान प्रैक्टिस पर से हट जाता है और उसका दोस्त उसे पहली बार उठाकर पटक देता है, जिससे वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था। आगे हम देखते हैं कि जीवन अपनी डैड की ग्रेव पर जाती है, जहाँ पर वो उनसे बोलती है कि वो इस सेकंड चांस को बहुत ही अच्छे से यूज करना चाहती थी, लेकिन यहाँ के लोग कोई भी उसे खुश नहीं देखना चाहता, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी है। और उसने फिर से किसी अपने चाहने वाले को बहुत ज्यादा हर्ट किया है, जहाँ पर वो यूजी की बात कर रही थी। फिर वो अपनी कार में बैठकर घर जाने के लिए निकल जाती है, पर हम देख पाते हैं कि एक कार उसका पीछा कर रही थी। यहाँ से हम एक ट्रक वाले को भी देखते हैं, जिसे कोई फोन करके 3 मिनट में आने के लिए बोलता है। अब जब जीवन एक ट्रैफिक सिग्नल पर लाइट की ग्रीन होने का वेट कर रही थी, तभी सामने से एक ट्रक काफी स्पीड में उसकी गाड़ी की तरफ आने लग जाता है। अब इससे पहले कि जीवन कुछ समझ पाती कि वो क्या करे, तभी साइड से यूजी की कार उस ट्रक के सामने आ जाती है, जिससे वो ट्रक वाला यूजी को टक्कर मारकर उसका एक्सीडेंट कर देता है, जो देखकर जीवन काफी ज्यादा हैरान थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो, एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।